अरे वाह, खीर, फाफड़ा, जलेबी और ढोकले, आज तो पार्टी है भाई, पार्टी। पार्टी तो होगी, मेरी मेहर वापस जो आ गई है। आज तो सब कुछ मेहर की पसंद का बना है। वाह, थैंक यू माँ, थैंक यू दादी, लेकिन मैं इस पार्टी में और किसी को भी बुलाना चाहती हूँ जो मेरा फेवरेट है। बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम जिसे बुलाना चाहती हो वो आ गया है। सचिन, कहाँ है बालवीर? बालवीर, बालवीर। हाँ बोलो मेहर। क्या? जोर से बोलो मेहर। वो कहीं दूर होगा ना, बहुत दूर होगा वो, इसलिए। बल्लू, चाहे वो मुझसे कितना भी दूर हो, लेकिन मेरी आवाज उसे जरूर सुनाई देगी, समझा लल्लू? इसलिए तो मेरे बुलाने पे वो मुझे बचाने आ गया। क्या बालवीर आया था तुम्हें बचाने के लिए? मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, पर मुझे पूरा यकीन है कि उसने ही मुझे बचाया। हाँ हाँ, और कौन कर सकता है, हमारे बालवीर। I hate you, Baalveer. तुम मेरे दोस्त नहीं हो, और ना ही हमारे बीबी भी। आज से हमारी, आज से हमारी, हमारे दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। क्या हुआ मानव? वो महर, जब बालवीर के होते हुए भी तू हमसे दूर चली गई थी, तो हम बालवीर के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे। क्या? हाँ बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में आके न जाने हम लोगों ने बालवीर से क्या क्या कह दिया। ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है आपने माँ? नहीं नहीं बल्लू, हमें बालवीर से माफी मांगनी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बालवीर को आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं जानता हूँ ना बालवीर को। क्या? क्योंकि हम सब बालवीर को जानते हैं ना, कि बड़े उससे माफी मांगे उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भाई उसे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बालवीर अगर हम सबको माफ कर देगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, माफ कर दिया। होगा होगा, माफ कर दिया होगा बालवीर ने। अरे तो पूरा वाक्य एक में बोलना, पूरा वाक्य क्यों नहीं बोलता एक में? बालवीर ने आप सबको माफ कर दिया होगा, क्योंकि वो कोई भी बात दिल में नहीं रखता, और आप सब भी कोई भी बात अपने दिल में मत रखिए। काश ऐसा ही हो। काश, काश हमें खाना खा सके। घरवाले सभी कितने खुश हैं, और उतनी ही खुश होगी परिया जब उन्हें पता चलेगा कि मेहर वापस आ गई है। सबके सोते ही मैं एक खुशखबरी देने परिलोक चला जाऊंगा। कब 150 साल पूरे हो गए और छल परी दोबारा से जीवित हो गई, हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, और वो जाकर भयंकर परी से मिल गई, ये तो और भी खतरनाक बात है रानी परी। हाँ रानी परी, क्योंकि भयंकर परी ने परिलोक को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा ऐसी बुरी शक्तियों का फायदा उठाया है, और उसका नतीजा ये कि हमने बालवीर को आरोपी मानकर उसे सजा दी, और इस बात की बहुत बड़ी सजा देंगे हम छल परी को। नहीं रानी परी, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने छल परी के साथ साथ उसके मायावी जाल को भी समाप्त कर दिया है। नहीं बालवीर, छल परी इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगी, वो दोबारा से आक्रमण करेगी, और तभी हम उसे उसके किए की सजा भी देंगे। लेकिन ये पल आपका है बालवीर, ये पल है हमारी भूल को सुधारने का,
और आपकी जीत का जश्न मनाने का। बालवीर, आप सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और समझदार भी हैं। इसीलिए आपकी शक्तियां ना होने के बावजूद आपने अपने दुश्मन को मात दी और ना सिर्फ मेहर को बचाया बल्कि अच्छाई और सच्चाई को भी उसका आदर सम्मान लौटाया। हाँ बालवीर, हम सबको आप पर बहुत ही गर्व है। रानी परी, बिना अपनी जादुई शक्तियों के बालवीर की बुराई पर यह जीत इस बात का प्रमाण है कि बालवीर अपनी शक्तियों को संभालने की जिम्मेदारी ले सकता है। हाँ रानी परी, इसीलिए हम सबका आपसे निवेदन है कि आप बालवीर की शक्तियां लौटाने पर फिर से विचार करें। नहीं, हम बालवीर को उसकी शक्तियां इस वक्त नहीं लौटाएंगे। बल्कि बालवीर की शक्तियां उसे पूरे मान सम्मान के साथ लौटाई जाएंगी। हम परिलोक में बड़े धूमधाम से बालवीर के सत्कार समारोह की घोषणा करते हैं और ये आदेश देते हैं कि उसी समारोह में बालवीर को पूरे आदर और प्रतिष्ठा के साथ उसकी शक्तियां लौटाई जाएंगी। यानी हम इसे एक बड़े त्योहार की तरह बनाएंगे? हाँ, बल्कि ये किसी त्योहार से भी बड़ा जश्न होगा परीलोक में, जिसमें ना सिर्फ हम सब परियां बल्कि पृथ्वी लोक के बच्चे भी शामिल होंगे और बालवीर को बधाइयां देंगे। मतलब आएंगे बच्चे भी, मतलब मचेगी धूम परीलोक में। ये आज आप सबको खुश देखकर हमें भी बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि हमें लगा था कि बालवीर की शक्तियां छीनने के वक्त हमने आप सबके चेहरों की मुस्कुराहट भी छीन ली थी और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसी समारोह में पुरस्कार के तौर पर बालवीर को एक नई शक्ति प्रदान की जाएगी। तो परियों, आप सब इस समारोह की तैयारियां शुरू कीजिए। जी रानी परी। रानी परी, हमारा आपसे एक अनुरोध है कि बालवीर अपने सम्मान समारोह में सबके सामने उसी रूप में आए जिस रूप में सारे बच्चे उसे पहचानते हैं और पसंद करते हैं। अगर आप उसे उसका जादुई पोशाक लौटा दें तो हम सबको बहुत खुशी होगी। सभी निमंत्रण पत्रों का स्वागत है। दुबा दुबाए, निमंत्रण पत्र में क्या लिखा है जरा पढ़िए। जी रानी परी। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। आप सबका बालवीर के लिए प्यार और उस पर विश्वास ही बालवीर की वो ताकत है जिससे वो अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलते हुए हमेशा बुराई पे जीत पाता है। इसलिए अच्छाई और सच्चाई की जीत का उत्सव और आपके प्यारे बालवीर का सम्मान समारोह आपकी उपस्थिति के बिना अधूरा है। इसलिए बेहद खुशी के साथ हम आप सबको सहपरिवार परिलोक के इस अद्भुत जश्न में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं और आशा करते हैं कि जब आपको परिलोक लाने के लिए बादलों के रथ आएंगे तो आप सब इस समारोह में शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी रानी परी।
अब आप सब निमंत्रण पत्र हमारे ये आमंत्रण को हर सच्चे और अच्छे बच्चे तक पहुंचाइए। अरे उड़ा क्यों रहे हो तुम मुझे? डूबा डूबा एक पत्र को छोड़ो। बच गया। चलना पड़ेगा क्या? मैं? क्या मैं पीट दूंगी आ? पीट दूंगी? वाह 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 मैं। ये मीठे शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। और फिर से बोलना पीट दूंगी। बोला बोला बता अच्छा। मैं काम करती हूँ। मैं पीट दूंगी बोलती नहीं हूँ। मैं तुझे पीट ही देती हूँ। देख, है रानी परी? शक्ति देख हरी। क्या हुआ महर? वो बालवीर को मुझे सॉरी बोलना है पर मैं उसे बोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारे बुलाने पे वो आ ही नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे बोलूं उसे सॉरी। कैसे? इस गुब्बारे से। मानव, मुझे बालवीर से सॉरी कहना है। इस गुब्बारे से नहीं। अरे हाँ महल, मुझे मालूम है, लेकिन हम इस गुब्बारे पे लिख देंगे सॉरी बालवीर और फिर ये गुब्बारा बालवीर तक पहुँच जाएगा। हाँ, क्योंकि इस गुब्बारे को बालवीर का पता मालूम है ना। सॉरी, फिर अब क्या करें? खुश रहो। हाँ, क्योंकि बच्चे खुश रहेंगे तो बालवीर भी खुश रहेगा। बल्लू, तू हमेशा ना बकवास आइडिया देता है। सही कहा तूने महर। जरूर रानी परी का निमंत्रण होगा सब बच्चों को सम्मान समारोह में बुलाने का। महर ये क्या है? मुझे भी दिख रहा है लेकिन देख ये सब बच्चों को मिली और मुझे नहीं, ऐसे क्यों? अरे बॉस, इतनी सी बात पे इतना क्या दुखी हो रहे हो? ऐसे तो आपको इज्जत भी नहीं मिलती। अरे बॉस, इसका मतलब है सिवाय पनिशमेंट और हार के आपको आज तक कुछ मिला है क्या? ये कैसी चिट्ठी है और ये उड़कर कैसे आई? अरे कैसी नहीं, किसकी है वो सोचो। लिखा क्या है इसमें? एक मिनट, मैं पढ़ती हूँ। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बच्चों, आप सबका बालवीर के ऊपर प्यार और विश्वास ही बालवीर की वो ताकत है जिससे वो सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चल सकता है और बुराई पे जीत पाता है। इसी सच्चाई और अच्छाई के जश्न के लिए आपके प्यारे बालवीर का सम्मान समारोह आपकी उपस्थिति के बिना अधूरा है।
लिए बेहद खुशी के साथ हम आप सबको सह परिवार परिलोक के इस अद्भुत जश्न में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं। यस, अब मैं परिलोक जाऊंगा। ओए, मैं परिलोक जाऊंगा। हम भी। और हम आशा करते हैं कि जब आपको परिलोक में लाने के लिए बादलों के रथ आएंगे। बादलों के रथ? तो आप सब बालवीर के सम्मान समारोह में आने के लिए तैयार रहना। आपकी रानी परी। रानी परी ने बुलाया है। बालवीर का सम्मान समारोह परी लोग ने और हमें नहीं बुलाया? अरे बॉस, हमें नहीं बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन आप जो सब बुरे, मतलब शैतान, मतलब तुम्हारा मतलब मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये जानना तो पड़ेगा मेरे नाम की चिट्ठी क्यों नहीं आई। बस ये तो सिर्फ बालवीर ही बता सकता है, या फिर ये चिट्ठी। तो फिर मुझे किसी बच्चे के चिट्ठी को पकड़ना ही पड़ेगा। हम बालवीर का सम्मान समारोह देखने परी लोग जाएंगे। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे साथ ये कोई मजाक कर रहा है और परी लोग कुछ नहीं होते। नहीं, देखा मेहर भी मेरी बातों से सहमत है। अरे लल्लू, मैं ये कह रही हूँ नहीं, परी लोग होता है। मुझे पूरा विश्वास है परिलोक होता है। पर मैं एक और शब्द बोला ना तो पीट दूंगी। चल मानव। हाँ मानो मेहर, वह तुम सबको बहुत मजा आने वाला है। हाँ। देखो चलने के लिए अलग से इनविटेशन दूं क्या? हाँ। अरे मानव, मेरा काम संदेश पहुंचाना है, तो फिर मुझे कैद क्यों किया? क्योंकि मुझे जानना है रानी परी ने बच्चों को क्या संदेश भेजा है। माफ कीजिएगा, पर मैं ये संदेश आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बल्कि मोंटू केवल और रोहित के लिए है। और मैं ये संदेश सिर्फ उन्हें ही दे सकती। खामोश। एक मामूली चिट्ठी होकर तो मुझे भयंकर परी बुराई की रानी को मना कर रही हो? इसकी सजा जानती हो क्या हो सकती है? आप चाहे जो भी सजा दें, ये संदेश जिसके लिए है मैं उसी को दूंगी। अच्छा, तो जश्न की तैयारियां हो रही हैं परिलोक में। कर लो परियों, जितनी तैयारियां करनी है कर लो। लेकिन अगर मैंने भी तुम्हारे जश्न में अपने बुराई के कहर की बिजलियां ना गिराई तो मेरा नाम भी भयंकर परी नहीं,